खबर है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू में बड़े फेरबदल की तैयारी हो सकती है। कई राज्यों के संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी है, बड़े फेरबदल के साथ संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। जेडीयू की नजर झारखंड यूपी के साथ नॉर्थ ईस्ट पर भी टिकी हुई है। जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने को लेकर नीतीश कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में भी बड़े स्तर पर संगठन बदलाव की तस्वीर दिख सकती है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जेडीयू अपना विस्तार लगातार चाह रहा है, और ऐसे में क्या लग रहा है कि किस तरीके की जो सांगठनिक फेरबदल है वो की जा सकती है, क्या तैयारी है? देखिए, चूंकि राहुल दो तीन महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, 3 से 4 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाला है, और ऐसी परिस्थिति में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है संगठन में कुछ फेरबदल होते हैं, और इसी कड़ी का हिस्सा है कि जेडीयू भी संगठन में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, और खासकर जेडीयू की निगाहें राष्ट्रीय पार्टी बनने की हो रहा है। उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन होता है, और कुछ राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव भी है, तो वहां पर अगर बेहतर प्रदर्शन होता है तो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। और जो सूत्र बताते हैं कि जेडीयू की नजर उत्तर प्रदेश और झारखंड पर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में भी संगठन में आपको बड़े बदलाव दिख सकते हैं, और जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव दिख सकते हैं। तो एक बड़ी तैयारी है, और माना जा रहा था कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो कई सारे ऐसे लोगों को कुछ की भूमिका बढ़ सकती है, कुछ की भूमिका कटसेट की जा सकती है। तो जैसे बात, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कैसे करे, उसके लिए संगठन में किन लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है, किन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तमाम बातों पर मंथन चल रही है, और बहुत जल्द जेडीयू में संगठन में आपको बड़े फेरबदल की तस्वीर भी दिखेगी। और वजह साफ है, दो वजह है। पहला तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर कैसे है, और जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने, इसको लेकर जेडीयू लगातार हरकत में है, और बहुत जल्द जेडीयू में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तस्वीर भी दिख सकती है। राहुल, चलिए शुक्रिया आनंद इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी जेडीयू में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लालू ने नीतीश से मांग की है, अधिक सीटों की मांग की है। नीतीश कुमार के एनडीए वाले फॉर्मूले के तहत अधिक सीट की मांग लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। नीतीश लेकिन मानने को तैयार नहीं है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अंदरखाने से जानकारी मिल रही है। तेजस्वी ने बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की है। तो बता दें कि तेजस्वी ने नीतीश से 32 मिनट तक मुलाकात की, जब तक लालू और नीतीश के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, तब तक महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा तय नहीं होगा, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वर्तमान में लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, जेडीयू के पास 16 सांसद है और कांग्रेस के पास 1। 2019 की अगर बात करें तो जेडीयू और बीजेपी में 17-17 सीटों पर समझौता हुआ था। सीएम नीतीश को आशंका है कि जेडीयू की जीती सीट आरजेडी या कांग्रेस को दी गई तो जेडीयू के सांसद बागी हो सकते हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी के सामने कोई संकट नहीं है, मगर नीतीश के सामने कई सवाल और संकट हैं। बिहार की 12 लोकसभा सीट पर कांग्रेस